हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और यहाँ पर रवीना जो है तैयारी कर रही है खाने की। ऐसे इफेक्ट आ रहा है ना लाइट, उसकी धूप की वजह से। हाँ, धूप की वजह से आ रहा है। लाइट तो उन्हें ना, ठीक है जी। तो देखिए, देखो जी, हो गई है ये शाम। जो मैंने दाल चावल खाए थे हमने, उसमें से थोड़े चावल बचे हुए, तो मैं इनको छोंकूंगी टमाटर प्याज डालके। और यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी। अगर आप आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी को अजवाइन के छोंक के साथ बनाते हैं तो वो ज्यादा टेस्टी बनती है और थोड़ी अलग बनती है। अजवाइन है नहीं तो मैं तो जीरे में ही बनाऊंगी, आप ट्राई कर लेना। तो हम दोनों काम जल्दी जल्दी साथ साथ करेंगे, ठीक है? ओके। ये एक तरफ सब्जी, मल्टीटास्क, एक तरफ चावल, मल्टीटास्किंग। ये भी मैंने काट लिए हैं। ये एक एक टमाटर है, ये दो प्याज है छोंकने इसके लिए, चावल के लिए। ये एक प्याज है इस सब्जी के लिए। Okay. ये शिमला मिर्च है चावल छोंकने के लिए, ये आलू शिमला मिर्च है सब्जी के लिए। Very good. आटा मैंने गूंद दिया है तो हार्डली 10 मिनट लगेंगे ये सारा काम होने में। ये आप भी कुछ बोलिए। हाँ बोलिए, इधर आ सकते हैं। 10 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा जी। और इसमें जो है चावल, इसमें छोटे वाले में छोकेंगे क्या चावल? हाँ। और उस वाले सब्जी, ठीक है। ओए 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 पानी है एक दो ड्रॉप। ओनी इतनी जोर से यहाँ तक आई रही थी। ठीक है, समझ गया। तो कितना डेंजरस हो सकता है ना। बहुत डरा टमाटर बाद में डालूंगी सब्जी में, आलू शिमला मिर्च की। तो पहले वो प्याज की बात अच्छे से पक जाएंगी ना दोनों, आलू और शिमला मिर्च, इसलिए बाद में डालेंगे। मैं कहता था ना रवीना को टमाटर पसंद है, देखो एक टमाटर में एक इसमें है, एक इसमें है, एक एक ही है। ठीक ठीक है, ठीक आप गलत हो गए कैमरा, ये गलत तो नहीं बट हाँ चलो ठीक है, आप इसी बार क्या कर लिया। अरे इसमें डालना था, कोई बात नहीं, इसमें एक में कोई मैं डाल दूँ। मल्टीटास्किंग में हो जाती है चीजें। अब मुझे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा? अच्छा, अब तुम वो छोकोगी पहले? नहीं, इसमें नहीं छोकने वाली थी मैं सब्जी, लेकिन आ जाएगी इसमें अब। हाँ। क्या लगता है आपको, चीजें हो जाएंगी? हाँ, वो मैंने जल्दी जल्दी में इसमें मैंने चावल छोड़ दिए थे, पर मेरे को टमाटर नहीं डालना था तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया। इसमें डालना था टमाटर, मतलब कंफ्यूजन हो गया। हाँ हो जाता है कई बार, पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पर जो है मल्टीटास्किंग के चक्कर में थोड़ी सी चीजें उलट पुलट हो गई हैं, और रवीना जी आपको बताएंगी कि उलट पुलट क्या हुआ है। वो मैंने वो मैंने हर एक उसके लिए काटा था ना, कि मुझे टमाटर प्याज और शिमला मिर्च प्याज उसमें भी डालनी है चावल में, और सेम चीज आलू शिमला मिर्च और ये सब्जी बनेगी, पर मैं भूल गई थी ना शिमला मिर्च डालना भूल गई, तो मैंने वो शिमला मिर्च सब्जी में ही डाल दी। शाबाश। अब वो मतलब चावल में नहीं है, चावल वैसे भी सिंपल बनाई है तो वो सिंपल टमाटर प्याज वाले भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने सही बनाया, ओके। तो ये टमाटर चल जाएगा के साथ भी सही लग रहा है, पर शिमला मिर्च के साथ ज्यादा अच्छा लगता ना। नहीं, पहले तो वो हुआ था टमाटर का और दूसरा फिर वो शिमला मिर्च। पहले टमाटर का ये हुआ था, मुझे इसमें चावल छोंकने थे क्योंकि कम थे और इसमें सब्जी बनानी थी, लेकिन मैंने सब्जी में तो टमाटर पहले नहीं डालने थे ना, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए जिसमें मुझे सब्जी बनानी थी, तो मुझे इसमें चावल नहीं, मैं उल्टा कर दिया। हाँ, तुम दोबारा बताओ। मैंने उल्टा कर दिया, मतलब इसमें मैंने सब्जी छोंकनी थी पर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए तो मुझे इसमें चावल छोंकने पड़े, इसमें मुझे चावल छोंकने थे तो मैंने इसमें सब्जी छोंकने पड़ी। ओके, बट
कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वरना हम ऐसे ही चावल खाते हैं यूजली जिसमें शिमला मिर्च हो। आज जो है डिफरेंट हो गया है, ऐसी सब्जी हो गई है प्लस रोटी हो गई है। देखो जी ये पक गई है हमारी, मतलब अच्छे से गल गए हैं, कच्चे नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं अब इनमें हल्दी, मिर्च, नमक मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी एंड धनिया डाल देती हूँ, ठीक है। और मसाला वगैरह डालना हो तो आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से मिक्स करके फिर ये टमाटर डालूंगी मैं 2 मिनट बाद। ये जी मैंने डाल दिया टमाटर, अब इसको थोड़ी देर ढक दूंगी मैं ताकि अच्छे से बन जाए। और दूसरी चीज, आप जैसे मैं इसमें बनाने वाली थी ना कढ़ाई में सब्जी, सो वो शायद ज्यादा बेटर रहती, तो थोड़े से खुले बर्तन में बनाएंगे तो ज्यादा बेटर बनेगी, क्योंकि उसमें फिर लगने के चांस कम हो जाएंगे। इसमें मेरी थोड़ी सी लग गई सब्जी, पर वो लग गई वाली ऐसी नहीं है कि जल गई, चल जाएगा काम, ठीक है। तो इस तरीके से आप आलू शिमला मिर्च बना सकते हैं। आज की रेसिपी यही समाप्त होती है, रोटी बन गई है, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर अमित खा के चला जाएगा। और ग्रीन टी तो अभी हमारी रहती है, तो वो तो आपको पता ही है। अब ग्रीन टी को एक रिचुअल बनाना है ताकि हम हेल्दी, फिट और पतले रहें। ये जी यहाँ पर जो है सब्जी बन चुकी है, अब रवीना जो है मेरा टिफिन पैक कर रही है। आज मैंने आलू की बनाई सूखी, जो आप लोगों ने अभी देखी है, तो ये बहुत सूखी भी नहीं है, टमाटर वगैरह की वजह से ऐसे है थोड़ा सा इसमें, ठीक है। ये हो गया है अमित का टिफिन, अब इनकी थाली बनाते हैं ताकि ये खा के हमें बताएं जी कि कैसी बनी है। जी जरूर, जी जरूर बोलते हैं ना, जरूर नहीं बोलते। हाँ जरूर, वैसे तो इसमें पहले से बहुत सारा धनिया है, बट पर ये बोनस में आपको मिलता है थोड़ा और धनिया। थैंक यू, यू वेलकम वेलकम। चावल बस बस, ठीक है। ये यहाँ अरे खुल जा। हड्डी सुबह सुबह परेशान कर रही है मुझे, कहते स्पून। अब हम इसको टेस्ट करके बताएगा, आप इधर आइए, बिल्कुल धो लीजिए। अच्छा चल ठीक है, जल्दी बताओ, टाइम पास करा लो इससे, कितना भी पता नहीं कहाँ जाके खड़े हो, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। तुम आ गया लो, कोई बात नहीं, तुम जल्दी खा के बताओ, सब्जी बताओ स्पेशली आज अलग तरीके से बनाई गई है। इतना वेट करवाते हो ना तुम, कोई बात नहीं फिर शानदार, अलग है थोड़ी सी, अलग है, तुम बनाओ अलग ना बने, बढ़िया ना बने, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हो गया। थैंक यू। तो ठीक है जी, ये अभी खाएंगे नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को ग्रीन टी पीनी, इनकी ग्रीन टी आज रह गई। इसके साथ चीयर्स नहीं कर सकते ना, खुद ही कर लो चीयर्स। तो ये अभी खाना खा के इसको जाना है और मैं काम करती हूँ, रेडी होती हूँ, मुझे भी बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं। बाय, हम आपको मिलते हैं शाम को, ये पूरी करनी चाहिए वाइफ की लाइन, हम आपको मिलते हैं शाम को, ये बाय। क्या खा रहे हो, छुपा के खाते है छुपा के? अच्छा धनिया। तो ना आज थर्सडे है, मंडी जाना है, आगे खाना खाना है, चले चलना, तो बस मंडी जा रहे हैं फटाफट, और सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, क्योंकि बाहर का मैं नहीं खाना है, जैसा कि आज 2 मार्च हो गई है। दिन इतनी फास्ट जाता है ना, बहुत फास्ट जाता है भाई, और इतना टायर्ड फील होता है, मतलब तो हम ओके बट दिन, मतलब मुझे ये होता है कि हाँ, मतलब जो टीचर्स स्पेसिफिकली स्कूल कॉलेज में जाके 6 लेक्चर्स 7 लेक्चर्स लेते होंगे, उनका क्या हाल होता होगा। 24 घंटे को कैसे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ सकते, पता नहीं, बढ़ाया जाए तो मेरे लिए बढ़ा दो कोई, जल्दी चलते हैं पहले। चलो भाई सब्जी लेके आते हैं जल्दी से। तो जी हम मंडी से सामान ले आए हैं, और मंडी से एज इट इज जो है जो चीजें हम लाते हैं उनमें से एक है फ्रूट्स। तो अब की बार जो हम पाइनएप्पल लाए हैं, इसके साथ साथ हम अंगूर के साथ साथ गोभी, पालक आज अच्छी नहीं थी, पालक अच्छी नहीं थी आज ना, पालक अच्छी नहीं थी, सीजन ऑलमोस्ट चला गया। मैंने बैंगन को कैसे सिलेक्ट करें ऐसा देखा, बैंगन चमक रहे थे, वहां समझ नहीं आ रखा था क्या कर रहे थे। अरे अंदर बीज होते हैं ना बैंगन के, तो उसकी वजह से वो हैवी सा लगता है,
तो जो बैंगन मगर बड़ा भी है तो जब आप उसको उठाओगे तो वो कंपैरेटिवली हल्का लगना चाहिए, ये मैंने नुस्खे में सुना। ऐसे तो बेल पेपर देखते हो वो भी भारी नहीं लगनी चाहिए आपको? बेल पेपर में हाँ, ऊपर फिर वो हैवी हैवी होता है, उसकी वजह से वेट हो जाता है ज्यादा, पर आपके कम पोर्शन आता है आपके हिस्से में। अभी इसको लगी है ज्यादा भूख तो इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर ये इसका मुंह खाली रहा तो ये ऐसे बोलेगा कि भूख लगी है कुछ खाने को दो, इसलिए मैं इसको कुछ ना कुछ खाने को देती रहती हूँ। ये लो, ठीक है। अच्छा अच्छा, बैंगन का बता दिया ना। सुबह वाली आलू शिमला मिर्च वाली सब्जी जो मैंने अलग तरीके से छौंकी थी, थोड़ी है बच्ची, थोड़ी नहीं काफी है, बट वो बहुत टेस्टी थी क्योंकि मैंने दोपहर को खाया था डायरेक्ट, ये दोपहर का लेके ही नहीं गया, रखा रखा है, छोड़ गया ऐसे ही। तो सुबह जो चावल इसने बनाए थे देसी घी डाल रखा था उसमें, तो हैवी हो गया था सारा ना, तो इसको ये और रखा था मेरे को नहीं खाना। मतलब रोटी पे भी काफी लगा हुआ था और चावल में भी। ये बहुत मीठा है तो ये बहुत टेस्टी है, एंड अब हमें वही खाना है, वही जो आलू और वो बची हुई है। बट रोटी बना दूं एक ना, चावल अगर आपको फ्राइड राइस बनाने हो या नमकीन चावल, तो एक आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया ये चीज कि आप एक तो बनाते हो सीधा छोंक के कुकर में, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आपने चावल अलग से बना रखे, जैसे मैंने लाल पुलाव बनाया था वैसे। एक होता है कि अगर आपको चावल छोंकने हैं तो आप 2-3 घंटे पहले, या मान लो सुबह के हैं जो शाम को छोंक रहे हो या शाम के सुबह, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अलग अलग उनको, मतलब उनको शेप मिल जाती है, टाइम मिल जाता है ना, वो अलग तो है। अच्छा, रीजन यही होगा कि यही रीजन है, उसको शेप मिल जाती है प्रॉपर। मैंने दोपहर को खाए थे वो जो सुबह दिखाए थे आपको, 12 अच्छे लगे, वो बहुत टेस्टी लगे मुझे, सिर्फ टमाटर प्याज से छोंक के भी। उसमें शिमला मिर्च डल जाते हैं ना उसमें और मस्त हो जाते। ये इंसान कहीं नहीं सैटिस्फाई हो सकता, इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो है इस उपलक्ष्य में कैमरा ऑन किया गया है कि रवीना बोल रही थी मैंने इतने सारे बर्तन धोए हैं और वहाँ पर रखे हुए हैं, देखो ये सारा साफ कर दिया है, वो सारा सिंक खाली था, मैंने सारे धोए। तो रवीना का ये था कि आज तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा अमित से ही धुलवाती हूँ। हाँ, और दूसरा अमित फ्री नहीं था, अमित ने सारे मटर निकाले, है ना। मटर होता है, मटर होता है, आज मैं पता नहीं क्या हुआ तो मटर बोल रहा था, बट हाँ मटर होता है, ठीक है, मटर ही बोलते हो तुम मोस्टली, बहुत बार हो जाता है ना ऐसा। तो ये जी जो हम पाइनएप्पल लाए थे थोड़े से रहते हैं, अभी खाएंगे हम बैठ के आराम से, खाना हमने खा लिया है, और भी कुछ कहेंगे? यस, बस हैप्पी रहिए लाइफ में, हैप्पी रहिए, हमने जो किचन का ऑलमोस्ट काम कर दिया है, इस तरीके से काम करिए ताकि एक सुकून की नींद आए, सेटिस्फेक्शन वाली, कि आप खुश हैं अपने काम के साथ। हाँ, अभी आने वाली ऐसे थकान वाली नींद आए ना, मतलब इतना काम करिए कि भाई आज तो ऐसे मजे आ गए काम करके। हाँ। जैसे मैंने आज 4 वीडियोस इंकलकेट लर्निंग पे डाली, 1 व्लॉग एडिट करके डाला, यानी 5 एंड और अभी खाना भी तो दिया तुमने बनाया। हाँ, वो तो है ही, बाकी काम तो। हाँ, मुझे ऐसे सेटिस्फेक्शन फील, मतलब अगर मैं 4-5 वीडियोस डाल दूँ ना इंकलकेट पे, मतलब बेसिकली 4-5 क्लासेस हो जाती हैं, तो मुझे ऐसे सेटिस्फेक्टरी फील होता है। और जो है अगले दिन के, फिर मैं अभी अभी सोंगी नहीं, अभी मेरे को 3-4 PPT कल के लिए बनानी है, सो इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे। क्या बात है, अच्छा दिन रहा। हाँ, चलो बढ़िया है, अच्छा ही रहना चाहिए। और बोलो, कुछ नहीं, फिर भी नहीं, थोड़ा फिर बोलोगे मैं बोलती हूँ, वो तो कोई बात नहीं, तो पता ही है मुझे। बोलो मैं बोल रही थी कि हमने 2 दिन हेल्दी खाया है तो इसलिए हमारी स्माइल और हमारी स्किन ऐसे ग्लो ग्लो कर रही है, ग्लो कर रही है, कुछ मोटे हो गए, ग्लो नहीं कर रहे हम। तो मेरे को तो हम क्यूट लग रहे हैं, मोटे हो गए तो थोड़ा सा तो चलता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।